नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक नए प्रोडक्ट डाइबोडॉक रस के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक रस है जिसका निर्माण बहुत ही बहुमूल्य औषधियों से मिलाकर बनाया गया है। गुड़मार, ग्वारपाठा, जामुन, करेला, त्रिफला। त्रिफला तीन फलों से बना होता है, ये आंवला, बहेरा और हरड़। डाइबोडॉक रस जो है, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, ये शुगर के मरीजों के लिए रामबाण होते हैं। सबसे पहले बात करें ग्वारपाठा, जिसे एलोवेरा भी कहा जाता है, ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा गुड़मार है, इसमें ऐसे गुण होते हैं जो धमनियों में वसा का जमाव को रोकता है, इसके अलावा रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। जामुन, ये डायबिटीज मरीजों के लिए अमृत के समान होता है, इसमें विद्यमान जम्बुलिन शरीर में पहुंचकर भोजन के साथ लिए गए स्टार्च को शुगर में नहीं बदलने देता है, जिससे रक्त में शुगर समान स्थिति में रहता है। उसके बाद करेला है, जो कि शरीर में इंसुलिन को सक्रिय कर देता है। डाइबोडॉक जो रस है, ये डायबिटीज पर नियंत्रण करता है, साथ ही साथ रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना, पाचन क्रिया सुधारना, थकावट कमजोरी दूर करना, शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करना, शुगर से होने वाली सभी परेशानियों से निजात दिलाने में मदद करता है। डाइबोडॉक रस को लेने की कुछ विधि है। इस रस को लेने से पहले अच्छी तरह शेक कर लेना है, उसके बाद 25 से 30 ml खाना खाने के बाद दिन में दो बार इसको लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि डाइबोडॉक रस के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद।